नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। योगी के शपथ ग्रहण से पहले यूपी में एक बार फिर से सियासी उलटफेर की संभावना तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बड़ा सियासी उलटफेर होता नजर आ रहा है। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एक बार फिर से बीजेपी से हाथ मिला सकती है। ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए में वापसी को तैयार हैं। ओम प्रकाश राजभर इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही धर्मेंद्र प्रधान सुनील बंसल से मुलाकात भी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को सुभाषपा के कोटे से योगी मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश ने अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल के साथ 18 मार्च यानी होली के दिन मुलाकात की थी। ओम प्रकाश राजभर की इन नेताओं के साथ मुलाकात करीब घंटे भर चली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। न तो बीजेपी और न ही ओम प्रकाश राजभर ने इस संबंध में कोई बयान दिया है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। चुनावी जीत के बाद यूपी में जब बीजेपी की सरकार बनी, ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री भी बनाया गया। लेकिन कुछ समय बाद राजभर ने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद राजभर गठबंधन और कैबिनेट से अलग हो गए और लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ दम भरते रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर ने अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाया और चुनावी रैलियों में योगी सरकार को हटाने का जिक्र करते रहे। लेकिन राजभर की उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब 10 मार्च को दोबारा से बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को यूपी चुनाव में प्रचंड जीत मिली। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 403 में से 273 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी कर ली। ओम प्रकाश राजभर जिस विपक्षी गठबंधन में शामिल थे, उसे 125 सीटों से संतोष करना पड़ा। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जिस जहूराबाद विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं, वह गाजीपुर जिले में पड़ता है और गाजीपुर में बीजेपी गठबंधन एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सका। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।